अब देखो, कल जो हम इफेक्टिव मोलर मास पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने दो तीन फॉर्मूले देखे थे कि भाई पहला फॉर्मूला था कि इफेक्टिव मोलर मास होगा W1 + W2 / N1 + N2। इसको मैं और अच्छे से कहूं तो मैं कह सकता हूं टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसी को जब ओपन कर देंगे तो NaMa + NbMb / Na + Nb, एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ट्रिक और सीखते हैं। एक ट्रिक तो कल सीख ली थी कि जब एक्स रेशियो वाई में दे रखा हो और वाई रेशियो एक्स में पूछा हो तो कैसे निकालेंगे, पूरा मेथड भी देख लिया था और ट्रिक भी देख ली थी। मान लो मेरे पास दो आइसोटोप हैं, आइसोटोप वन की परसेंटेज मुझे निकालनी हो, राइट, और मुझे एवरेज एटॉमिक मास दे रखा हो, तो मैं कैसे निकालूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे परसेंटेज ऑफ आइसोटोप वन निकालनी है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मॉड लगाकर एवरेज मास माइनस एवरेज मास ऑफ आइसोटोप टू, यानी कि जिसकी भी मुझे परसेंटेज निकालनी है उसमें से इफेक्टिव मोलर मास में से किसी दूसरे का एटॉमिक मास में माइनस कर दूंगा, अपॉन नीचे डिफरेंस ले लूंगा दोनों के एटॉमिक मास का, आइसोटोप वन का माइनस आइसोटोप टू का into 100। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे किसी ने मेरे से कहा मेरे पास ए और बी हैं, ए की परसेंटेज है, सॉरी ए की परसेंटेज मुझे पता नहीं है, ए का मास मुझे पता है एम ए, बी का मास मुझे पता है एम बी, और इन दोनों से आने वाला जो एवरेज मास है वो भी मुझे पता है, लेट सपोज एक्स। मुझे परसेंटेज ऑफ ए बता दो क्या होगी, तो मैं कैसे निकालूंगा, मॉड में एक्स माइनस एम बी अपॉन एम ए माइनस एम बी। किसी ने मेरे से कहा मुझे परसेंटेज ऑफ बी बता दो, तो मैं लिखूंगा एक्स माइनस एम ए अपॉन मॉड में एम ए माइनस एम बी। ये मैंने मॉड क्यों लगा दिया, ये मैंने मॉड इसलिए लगा दिया ताकि अगर कोई वैल्यू बड़ी आए या छोटी आए तो आपको ये ना कंफ्यूज होना पड़े कि किस में से किसको घटाऊं। आप किसी में से भी किसी को घटा देना, अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसको अपने आप पॉजिटिव बना लेना। ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। देखो 672 ml ऑफ ओजोनाइज ऑक्सीजन एट STP या NTP वर फाउंड टू वे 1 kg। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द ओजोनाइज ऑक्सीजन। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं करवाता हूं। सबसे पहले तो आपको इसमें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या है वो समझते हैं। ओजोनाइज ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होता है, O3। ऑक्सीजन क्या होता है, O2। ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ठीक, तो मेरे से कहा गया है कि आपके पास 672 ml है किसका, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का।
अगर इसको वेट करते हो तो इसका वेट आता है 1 ग्राम, किलोग्राम नहीं, 1 ग्राम, इसका वेट आता है 1 ग्राम। ठीक है, ठीक। तो मुझे बताओ इस ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में कितना ओजोन का वॉल्यूम है, आपको ये बताना है। ठीक है, कोशिश करते हैं। देखो, अगर मुझे इस ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में ओजोन की परसेंटेज पता चल जाए, कि मान लो ओजोन लेट सपोज 50% है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, पूरे टोटल वॉल्यूम का 50% निकाल लूंगा, वही मेरे क्या हो जाएगा, ओजोन का वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो सारी मेहनत क्या है, मुझे ओजोन की परसेंटेज निकालने में करनी है। अच्छा बात, क्या मुझे मोल्स पता है? हाँ, मैं मोल्स निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, 672 × 10⁻³ ये हो गया वॉल्यूम, किसका, पूरे मिक्सचर का, अपॉन टोटल वॉल्यूम, राइट, और वी कैन से दैट अपॉन मोलर वॉल्यूम, क्योंकि एनटीपी दे रखा है ना, एनटीपी में मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻², सही है, क्योंकि 2 × 2 = 4, 3 = 6, 7, 2 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे आ गए मोल्स। मोल्स किसके हैं, ये मिक्सचर के मोल्स हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के मोल नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने मिक्सचर का वॉल्यूम लिया था ऊपर, तो ये जो मोल्स आए वो मिक्सचर के आए। ठीक है, अब मुझे पता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास या इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, तो टोटल मास मुझे पता है कि मिक्सचर का टोटल मास कितना है, 1 ग्राम, और टोटल मोल्स मैंने ये निकाल लिए 3 × 10⁻², तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 100/3, ये क्या हो गया, एवरेज मोलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास या इफेक्टिव मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक, अच्छी बात है, और अभी मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई कि परसेंटेज ऑफ ओ थ्री अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मॉड में एवरेज मोलर मास माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ ओजोन माइनस मास ऑफ, सही है, और इनटू 100, तो इसको सॉल्व करें तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 96 - 100 ये हो गया 4/3, और नीचे आ गया 16 × 100, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, ये 25 by 3%, यानी कि मेरे पास परसेंटेज ऑफ O3 कितना है, 25/3, बस हो गया सॉल्व। वॉल्यूम ऑफ O3 कैसे निकालूंगा, 672 का 25/3 कर दूंगा, वहां से जो भी आएगा आंसर वो मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O3। ठीक है, तो ये मेरा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो दिमाग में नहीं आता कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें, और इफेक्टिव मोलर मास से जो क्वेश्चन बन सकता है टफ वो कैसे बन सकता है, जैसे NaMa + NbMb / NaBb, तो बहुत आराम से क्वेश्चन दिख जाता है कि हाँ ऐसे लगाना है, बट इफेक्टिव मोलर मास का जो फॉर्मूला था टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स वाला, उसको कब लगाया जाता है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इस चैप्टर का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक, इस पर से सवाल पक्का आता है, नीट में हो चाहे जेई में हो, हर साल में किसी न किसी पेपर में इसमें से सवाल आना तय है। ठीक, इसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं, पर्टिकुलरली परसेंटेज कॉम्पोजिशन से ही, तो हम 5 टाइप के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज मेरे पास H2SO4 है, मैंने आपसे पूछा कि H2SO4 में हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है बताइए, तो आपने कहा देखो सर H2SO4 का मास होता है 98 और इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल मतलब दो एटम है हाइड्रोजन के, तो मैंने कहा परसेंटेज कैसे निकालोगे, आप कहोगे 2/टोटल × 100,
ये हो गई परसेंटेज किसकी, हाइड्रोजन की। तो कैसे पता लगाओगे मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में मास परसेंटेज कैसे पता लगाएंगे, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास इन वेयर वन मोल ऑफ कंपाउंड, एक मोल कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास लिखो अपॉन उस कंपाउंड का मोलर मास लिखो और इनटू 100 कर दो। इतना अगर आप कर देते हो तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, WOC क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्लोबर्स सॉल्ट, ग्लोबर्स सॉल्ट में परसेंटेज बताना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। ग्लोबर्स सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4.10H2, ये होता है आपका ग्लोबर्स सॉल्ट। तो इसमें कैसे निकालेंगे परसेंटेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, सबसे पहले देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कितने, आपको देखेगा 10 मोल है H2O के, है ना। आपको क्या लगाना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन वन मोल कंपाउंड। तो यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना है ना, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास इन वन मोल Na2SO4, तो एक मोल Na2SO4.10H2O में 10 मोल पानी के हैं, तो पानी का मास होता है 18 × 10, तो इसका मतलब टोटल मास कितना है, 180 ग्राम प्रेजेंट है पानी किसमें, ग्लोबर सॉल्ट में। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 180 पानी का मास अपॉन टोटल कंपाउंड का मास, टोटल कंपाउंड का मास कैसे निकालेंगे, 23 × 2 दैट इज 46, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64 और पानी से आया 180, इसको जोड़ो तो 2, 2, 3 322 और इनटू 100, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 55.9। ये सब कैलकुलेशन आपको करनी है, 55.9 घर पे निकाल कर देखना है, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल ली, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की परसेंटेज ग्लोबर्स सॉल्ट में। एक क्वेश्चन आप खुद लिख सकते हैं और उसको कर सकते हैं कि FeSO4.7H2O में मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल कर बताइएगा। मैंने परसेंटेज ऑफ वाटर नहीं पूछा है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछी है। तो ऑक्सीजन 7 तो इधर है और 4 इधर है, तो टोटल 11 ऑक्सीजन है, ठीक। तो निकाल के लाइएगा और इसको कल डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये एक टाइप का सस्ता सा न्यूमेरिकल कि भाई डायरेक्ट डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी होगी, कुछ नहीं करना होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे, 16.5 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन, राइट, दैट इज O2 to form 35.6 gram of its metal oxide. Calculate percentage of oxygen in metal oxide. इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सोचो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक मेटल है, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराया और उसने बना लिया मेटल का ऑक्साइड। मैंने N क्यों लिख दिया, मुझे नहीं पता मेटल की वैलेंसी क्या है, जो भी रही होगी वो लग जाएगा। जैसे सपोज अगर एल्यूमिनियम हुआ तो क्या बन जाएगा, Al2O3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। मैग्नीशियम हुआ तो क्या बन जाएगा, MgO, यहाँ पर 1 आ जाएगा। सोडियम हुआ तो Na2O, यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। और जैसे सिलिकन हुआ तो SiO2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा, राइट। तो इसलिए मैंने N लिख दिया। अच्छा,
अब एक कॉमन सेंस लगाओ जरा और सोचो कि आपके पास 16.5 ग्राम मेटल था, ठीक, आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई और आपको जो मेटल ऑक्साइड मिला वो 35.6 ग्राम मिला। अब कॉमन सेंस कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगना चाहिए, इसका मतलब जो मेटल 16.5 ग्राम था वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में आ गया होगा, है ना। और अगर पूरा का पूरा प्रोडक्ट मेटल, मतलब मेटल जो है वो प्रोडक्ट में आया है, तो इसका मतलब जो टोटल मास प्रोडक्ट का आया उसमें से मेटल का अगर मैं मास घटा दूं तो ऑक्सीजन का मास मिल जाना चाहिए, और मिल भी जाता है। तो 35.6 में से अगर मैं 16.5 माइनस करूं तो ये हो जाएगा 1.19। तो ये 19.1 क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और हमसे क्या पूछा था? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे बताएंगे? मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास, दैट इज 35.6 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 53.65। तो एक ऐसा क्वेश्चन बनता है क्या कि आपसे रिएक्शन करवाएगा और आपको यह कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि आप ऑक्सीजन का मास कहां से लेकर आओगे, यानी कि आपको ऑक्सीजन का मास नहीं दे रखा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन, इंसुलिन कंटेन्स 0.0016% ऑफ सल्फर, कंटेन मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास इंसुलिन है, है ना। अब इंसुलिन का फॉर्मूला वगैरह मैं कुछ नहीं बताऊं। इंसुलिन कंटेन्स इतना परसेंट सल्फर, तो मुझे मिनिमम मोलर मास बताओ इंसुलिन का, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। इंसुलिन का अगर मुझे मोलर मास चाहिए तो सल्फर के कम से कम कितने एटम होने चाहिए कि भाई इंसुलिन का जो मास है वो मोलर मास सबसे मिनिमम हो? तो आप कहोगे सर एक ही सल्फर होना चाहिए। एक तो तरीका हो सकता है मूर्खों वाली बात कि सर सल्फर जीरो हो। अरे भाई जब परसेंटेज ऑफ सल्फर दे रखी है तो सल्फर जीरो नहीं हो सकता। तो कम से कम सल्फर का एटम कितना होगा? एक होगा, सही है, ठीक है। और एक सल्फर के एटम का मास कितना होता है? 32। अच्छा, इसका मतलब मुझे इंसुलिन का मास नहीं पता, मैंने मान लिया एक्स, लेकिन मुझे यह पता है कि अगर उस इंसुलिन में केवल एक ही सल्फर है तो इसका मतलब उसमें जो परसेंटेज आई है 0.0016, अगर एक्स की मैं उतनी परसेंटेज निकालूं तो वो 32 के बराबर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही एटम सल्फर का प्रेजेंट था। तो इसका मतलब एक्स की 0.0016% किसके बराबर होनी चाहिए? 32 के। और यहां से आप सॉल्व करके एक्स निकाल लोगे। बस इतना ही था सिंपल क्वेश्चन, और ये जेई में भी आ चुका है और ये नीट में भी आ चुका है। यहां से जब आप आंसर निकालोगे तो मास आएगा 2×10⁶ ग्राम, यानी कि 2000 किलो मास है किसका? इंसुलिन का। मान लो आप ऐसे नहीं सोच पाते कि भाई हमें तो फॉर्मूले से ही सोचना आता है, तो कैसे निकालें? तो फॉर्मूले से निकाल लेते। कैसे? परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, परसेंटेज दे रखी है, और ऊपर क्या लगाएंगे हम लोग? मास ऑफ सल्फर। नीचे क्या लगाएंगे? मास ऑफ कंपाउंड, जो कि पता नहीं है, इनटू 100। यहां से भी एक्स निकाल सकते हो, बात वही है। तो चाहे आप ऊपर वाले मेथड से कर लो, चाहे आप नीचे वाले मेथड से कर लो। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता है, यहां मिनिमम नहीं लिखेगा, ठीक है, यहां पर वो लिख देगा कि भाई इंसुलिन कंटेन्स 0.0016% ऑफ सल्फर,
ठीक है, एंड सल्फर हैव थ्री एटम्स इन इंसुलिन, यानी कि सल्फर के तीन एटम प्रेजेंट है इंसुलिन में। कैलकुलेट मास ऑफ इंसुलिन। तो अब मैं क्या कहूंगा कि भाई मास मान लिया एक्स, और एक्स की 0.0016% अपॉन 100 किसके बराबर होनी चाहिए, सल्फर के तीन एटम के मास के बराबर। और जब एक का मास है 32, तो तीन का मास होगा 32 × 3, बस इतना सिंपल। तो आपको यहां पर उतने ही एटम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया आपके तीसरे टाइप का क्वेश्चन। चौथे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.025% ऑफ आयरन इफ मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89600, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एफी एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। एक इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% ऑफ आयरन, यानी कि परसेंटेज दे रखी है मुझे, ठीक है। अच्छा, मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन भी दे रखा है, बहुत बढ़िया, 89600। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एफ ई एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या नहीं पता मुझे, ये नहीं पता वेट ऑफ आयरन। तो सबसे पहले मैं वेट ऑफ आयरन निकाल लूं। वेट ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, 0.25 × 89600/100, राइट। यहां से कुछ वेट आ जाएगा, जो भी आए वेट, ठीक, कुछ वेट आ गया। मुझसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एफ ई एटम्स। तो जब वेट आ गया तो मैं मोल्स निकाल सकता हूं एफ ई के, वो कितने हो जाएंगे, यहां पर जो भी आपने निकाला होगा वो अपॉन 56, ये आ गए मोल्स। लेकिन मुझसे पूछे थे एटम्स, तो एनए से कर दूंगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी भी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपसे जो नंबर ऑफ एफ ई एटम्स पूछे गए थे वो पर मॉलिक्यूल पूछे गए थे हीमोग्लोबिन के, यानी कि एक मॉलिक्यूल में पूछे गए थे, ठीक। और एक मॉलिक्यूल में अगर पूछा गया है तो एनए से मल्टीप्लाई नहीं होगा, याद रखना इस बात को। अगर वो पूछता प्रेजेंट पर मोल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन तो आप एनए लगाते, लेकिन अगर उसने पूछा है पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन तो आपको केवल यहीं पर रुक जाना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, टू मेटेलिक ऑक्साइड्स कंटेन 27.6% एंड 30% ऑक्सीजन। इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज X3O4, देन ऑफ द सेकेंड विल बी। जेई का क्वेश्चन है कि भाई दोनों में मेटेलिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है, और आपसे कह दिया है कि पहले वाले ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, बताओ दूसरे का क्या होगा। ऑप्शन ए XO, ऑप्शन
ऑप्शन बी XO2, ऑप्शन सी X2O5 और ऑप्शन डी X2O3। आपको बताना है कि ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। चलो तो देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड में आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दे रखी है, कितनी? 27.6। तो परसेंटेज ऑफ मेटल कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 27.6, दैट इज 72.4। सेकंड कंपाउंड की बात कर लेता हूं, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी दे रखी है? 30%। तो परसेंटेज ऑफ मेटल कितनी हो जाएगी? 70%। सही है, ठीक है। अब एक बात देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला है X3O4। सही है, तो एक बात समझो, और उसमें X कितने हैं? 3 मोल है ना, एक मोल कंपाउंड में X के कितने मोल हैं? 3, ठीक है। और परसेंटेज X की कितनी है? अच्छा, मैंने मेटल को M मान लिया ना, इसमें X दे रखा है, मैं X लिख लेता हूं। परसेंटेज X की कितनी है? 72.4। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 72.4% ऑफ X में 3 मोल X के एटम हैं। सही है, तो अगर 74 में इतने हैं तो 70 में कितने होंगे? क्योंकि सेकंड कंपाउंड में निकाल लेना, तो 70 में होंगे आपके 3/72.4×70। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.9 मोल ऑफ X। ठीक है, ऐसी ऑक्सीजन के लिए लिख लो कि भाई 27.6% ऑफ ऑक्सीजन जब थी तो 4 मोल ऑक्सीजन के थे, तो जब 30% होगी तो कितने होंगे? तो 4/27.6×30। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 4.34। सही है, तो इसका मतलब आपको X के भी मोल मिल गए, आपको O के भी मोल मिल गए। तो आप क्या करोगे? X 2.9 और O 4.34। इसको जब सिंपल रेशियो में काटोगे तो ये आएगा X2O3। ठीक है, X2O3, क्योंकि अगर लगभग लगभग ये 14 के पास का है ना, तो 14 टू जा कितने होते हैं? 28, और 14 थ्री जा कितने होते हैं? 42। तो ये 14 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये 29 हो जाएगा और ये 43 हो जाएगा। तो लगभग लगभग जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? X2O3 का रेशियो आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का। तो ये एक था मेथड वन, आपको जो पसंद आए आप उस मेथड को सीख लेना, मैं तो आपको बस दोनों बता दे रहा हूं। देखो, अगर आपको कभी भी किसी भी एटम में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? उसका एक फॉर्मूला होता है, उसकी परसेंटेज कितनी है अपॉन उसका मोलर मास, उस एटम की परसेंटेज अपॉन उसका मोलर मास। ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है अगर आपको किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हम इस चीज को यूज करते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जब हम कल की क्लास में एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो हम इस कंपाउंड का, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखो, जैसे मान लो पहले कंपाउंड में मास ऑफ मेटल एक्स है। ठीक, तो अगर मैंने मेटल का मास जो है, एटोमिक मास जो है, वो मैंने एक्स, अच्छा नहीं, एक्स मत मानो, क्योंकि एक्स तो मेटल ही मानी हो, या छोटा एक्स मान, कि मेटल का मास जो है वो एक्स मान लिया मैंने। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ मेटल निकालूं किसमें? X3O4 में, तो वो कितना होगा? तो अभी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं परसेंटेज, भाई मास ऑफ मेटल अपॉन टोटल मास, तो 3x+64। एक्स का मैंने मास कितना मान लिया? एक्स, तो मेटल का मास कितना हो गया? 3x। सही है, और टोटल मास कितना हो गया? 3x+16×4, दैट इज 64×100।
और मुझे परसेंटेज ऑफ मेटल तो पता ही है, क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 72.4। तो यहां से आप x निकाल सकते हो, जब आप सॉल्व करके x निकालोगे वो आएगा 56। ठीक, अब सेकंड ऑक्साइड आपके पास है ही है, अब मेटल तो आपकी सेम ही है ना, ये आपका मेटल का मास आ गया है ना, अब मेटल सेम ही है, तो आपको सेकंड कंपाउंड में ऑक्सीजन की परसेंटेज पता है 30%, मेटल की परसेंटेज पता है 70%। और अभी मैंने आपको बताया अगर आपको मेटल का मास पता है और परसेंटेज पता है तो आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, है ना। तो मेटल के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 70/56, और ऑक्सीजन के जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 30/16। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एम 70/56 ओ 30/16। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे और सॉल्व करोगे तो 70/56 आएगा आपका 1.25 और 30/16 आएगा 1.875। अगेन जब आपका सिंपलेस्ट रेशियो लोगे तो 6 की टेबल में पढ़ लो, 6 2 12, यहाँ पर 12 है, और 6 3 18, यहाँ पर 18 है ना, थोड़ा सा ज्यादा है 12 और 18 से, यानी कि वैल्यू 12.1 या कुछ रही होगी ऐसी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2O3। तो जैसे आपका मन करे, आपको मेथड वन अच्छा लगा आप मेथड वन लगाइए, आपको मेथड टू अच्छा लगा मेथड टू लगाइए, लेकिन आपको एक मेथड प्रॉपर सीखना पड़ेगा। मैंने आपको ये तरीके बता दिए कि आपको कोई भी मेथड मतलब लगाना हो आप लगा सकते हो, दोनों ही मेथड सिंपल है। ठीक, तो इस तरीके से 5 टाइप के क्वेश्चंस आपके परसेंटेज कॉम्पोजिशन से बनते हैं। अब मैं आपको कुछ जेई के क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं जेई के अंदर। ठीक है, तो देखो लेटेस्ट क्वेश्चन करते हैं 2022 का, तो ये आपके होमवर्क है, आप घर से करके लाइएगा। ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया है जुलाई 26 जुलाई 2022 में सेकंड शिफ्ट में, आपको पेपर भी बता रहा हूं ताकि अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है वो लिख लीजिए, हीमोग्लोबिन contains 0.34% of iron by mass. The number of Fe atoms in 3.3 gram of हीमोग्लोबिन इज, ऑप्शन ए इज 1.21 × 10^5, ऑप्शन बी 12.0 × 10^16, ऑप्शन सी 1.21 × 10^20, एंड ऑप्शन डी 3.4 × 10^22। आंसर इज ऑप्शन सी, करके लाइएगा। एक और लिखिए, ये आया है 28 जून 2022, पेपर टू, कंपाउंड ए कंटेन्स 8.7% हाइड्रोजन, 74% कार्बन एंड 17.3% नाइट्रोजन। तो आपको बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ऑप्शन ए C4H6N2, ऑप्शन बी C2H3N, ऑप्शन सी C5H7N, एंड ऑप्शन डी C10H14N2।
आंसर इज डी। एक और लिखिए, ये आया है 8 अप्रैल 2019 में। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन इज, ये मैंने आपको ग्रुप पे भी भेजा था, 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 20%। आंसर है 20%। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ये सब जेई के आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 16 अप्रैल 2018 का, 16 अप्रैल 2018 जेई मेन। क्वेश्चन लिखिए, एन अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन, एन अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन हैज 3.55% ऑफ क्लोरीन। इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैज 1 क्लोरीन एटम ओनली, तो क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन आर, ऑप्शन ए 6.023 × 10⁻⁹, ऑप्शन बी 6.023 × 10⁻², ऑप्शन सी 6.023 × 10⁻², ऑप्शन डी 6.023 × 10⁻²। एक और लिखेंगे, यह आया आपका 2022 में 25 जून को। आपको बताना है द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 681 ग्राम ऑफ C7H5N3O6 is x × 10⁻²। आपको x की वैल्यू बतानी है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, x की वैल्यू आएगी 5418। सॉल्व करिएगा, एक क्वेश्चन आया था 1 सितंबर को 2021 में। क्वेश्चन था द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज
एक्स इंटू 10^23। आपको एक्स बताना है कितना होगा, आंसर है 2। आंसर है 2। भैया जी आपने वो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, इसमें यही वाला, इसमें ए ऑप्शन में 19 नहीं होगा सर। ये ऑप्शन में नहीं सर, नहीं उसी वाली स्लाइड में। ए ऑप्शन में 10^19 हुआ या 9 हुआ, चेक कर लेते हैं एक बार। ये कब है, 16 अप्रैल 2018। नाइन ही है भाई साहब। और लिखिए, लिखिए कंपाउंड कंटेन्स, ये 1980 में आया था। अ कंपाउंड कंटेन्स 28% ऑफ नाइट्रोजन एंड 72% ऑफ मेटल बाय वेट। इफ थ्री एटम्स ऑफ मेटल combines with two atoms of nitrogen, find the atomic weight of metal। मेटल का आपको एटॉमिक वेट बताना है। अगला लिखिए, ये 1994 में आया था। मैं आपसे कहना, मैं आपको सारे करा दूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रैक्टिस तो बस आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको दे रहा हूं, बाकी ये सारे क्वेश्चन करने के बाद ना ये तो श्योरिटी आपसे एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। वो जो मैंने एक्स्ट्रा में जो आपको किताबें वगैरह बताई हैं वो बस आपका दिमाग खोलने के लिए हैं और आपका हाथ चलाने के लिए, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। क्योंकि तो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्वेश्चन सही कर रहे हो या नहीं, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है क्या आप उतने टाइम में, जितना टाइम एक क्वेश्चन में लगना चाहिए उतने टाइम में उस क्वेश्चन को कर लेते हो या नहीं। ठीक, तो अभी आपको टाइम की चिंता नहीं करनी है, अभी आपकी स्पीड नहीं आएगी। अगर एक क्वेश्चन अभी 10 मिनट में हो रहा है, 15 मिनट में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होने दो। ठीक, एक साल तक टाइम के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, बस लगे रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा, उंगलियां हाथ सब अपने आप चलने लगेंगे, दिमाग अपने आप चलने लगेगा, टाइम अपने आप कम होगा। अभी चिंता बिल्कुल नहीं करनी होगी, हाय राम एक क्वेश्चन में 20 मिनट लग गए तब जाके सही आया, कोई बात नहीं 40 भी लगे तो भी करना उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ वुडजाइट इज, फॉर्मूला दे रखा है Fe 0.93 O 1.00। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, हमने बात करी थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इसकी, तो इसी के बारे में पूछा गया था कि कंपोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ अ वुडजाइट इज दिस, फॉर्मूला दे रखा है। अब पूछा क्या है आपसे, व्हाट परसेंटेज ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन the form of Fe3+। Fe की दो फॉर्म होती है ना, Fe2+ और Fe3+। वो कह रहा है कि Fe0.93 में Fe की दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, 2b और 3b। तो बताओ Fe की 3 फॉर्म वाली जो प्रेजेंट मतलब फॉर्म है उसकी कितनी परसेंटेज होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करिएगा। इस टाइप के दो क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, ठीक, और ये आपका जेई में क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि लेटेस्ट में अभी आए हैं ये नीट में, एक निकल के केस में और एक आयरन के केस में, एक तो 2022 में ही आया था, ठीक यही वाला क्वेश्चन रिपीट होके 2022 नीट में आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, इसको हम कल जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको करने का एक बड़ा अच्छा तरीका बताऊंगा, तो आप सोच के आपको लगेगा अच्छा ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तो आपको मजा आएगा, ठीक। तो चलिए बस इतना ही, अब जरा